केवल भगाया जाता है, हल्की चोट लगती है। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ कि सत्य निष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ कि संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्धि अंतकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अपना नाम हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय झारखंड के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी प्रकार व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं झारखंड के, जहां पर हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है। तो बता दें कि हेमंत सोरेन यानी कि इंडी गठबंधन इस बार झारखंड में भारी मात्रा में वोट पाकर विजयी हुआ है, जिसके बाद अब हेमंत सरकार एक बार फिर से झारखंड में शपथ लेते हुए सीधी तस्वीरें आपको झारखंड की दिखा रहे हैं। तो बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार नई नवेली सरकार, और ऐसे में सीएम पद की शपथ एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको झारखंड से दिखा रहे हैं, जहां पर नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे में हेमंत सोरेन जिन्होंने सीएम पद की शपथ ली है, तो बता दें कि फिलहाल उनके साथ में जो अन्य और कैबिनेट मंत्री होंगे वो भी शपथ लेते हुए थोड़ी देर में दिखाई देंगे। फिलहाल हेमंत सोरेन जिन्होंने शपथ ले ली है। तो वहीं संभल हिंसा के बाद